नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत अब अपने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम पर काम शुरू कर चुका है और हाल ही में दोस्तों भारत की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का डिजाइन का भी खुलासा किया गया है, जो कि एक टेंडर के माध्यम से हुआ है। दरअसल टेंडर डॉक्यूमेंट के अनुसार इस पनडुब्बी के डिजाइन के बारे में कहा गया है कि ये एक हाई स्पीड वेसल होगी जो हाइड्रोडायनामिक परफॉर्मेंस के साथ होगी। टेंडर से ये भी पता चला है कि ये जो SSN है वो पंप जेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल करेगी और ये पनडुब्बी दोस्तों वर्टिकल और टॉर्पीडो ट्यूब से लैस होगी, जो कि सुपरसोनिक और सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स को दाग सकते हैं लॉन्ग रेंज टारगेट के खिलाफ, यानी कि लंबी दूरी के लक्ष्यों पर ये हमला कर सकते हैं। दोस्तों इस पनडुब्बी का जो प्राइमरी मिशन होगा वो एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर, लैंड अटैक क्षमता, खुफिया जानकारी एकत्रित करना, क्राइसिस मैनेजमेंट और स्पेशल ऑपरेशन का होगा। अब बता दें कि इस पनडुब्बी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 5000 से 6000 टन के बीच में होगा और ये SSN दोस्तों 190 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर से संचालित होगी। दरअसल भारत इस तरीके की 6 पनडुब्बियां विकसित करने की योजना बना चुका है, जिनमें की 3 पनडुब्बियां शुरुआती चरण में बनाई जाएंगी और पहली पनडुब्बी 2032 के आसपास समुद्री परीक्षण करेगी। आपको बता दें कि इस परियोजना को 2015 में ही भारत सरकार ने मंजूरी दे दी थी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों जल्द ही फिल्म तेजस रिलीज होने वाली है और इस फिल्म में बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत ने वायुसेना पायलट की भूमिका निभाई है, लेकिन हाल ही में एक तस्वीर जो इस फिल्म की रिलीज हुई है उसे देखते हुए भारतीय रक्षा समुदाय ने इसकी आलोचना की है। दरअसल ये जो कंप्यूटर जनरेट फोटो दर्शाई गई है उसमें इस एयरक्राफ्ट में इजेक्शन सीट नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों ने तुरंत ही तस्वीरों में LCA तेजस में इस बड़ी गलती को देखा है। विमान में इजेक्शन सीट की अनुपस्थिति, जो कि पायलट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधा होती है, ये ना दिखाई देना तेजस फाइटर जेट की जो इमेज है उसे खराब करती है। और इसीलिए जो फिल्म निर्माण करता है उन्हें इस बात का बखूबी से ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके की गलतियों को वो ना दिखाए, जिससे कि हमारे समाज पर एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ये फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जहां दोस्तों एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों ने चीन के कई प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है, तो वहीं अब चाइना ने भी यहां पर एक मास्टर गेम खेल दिया है, जिससे कि ट्रेड वॉर अब बहुत तीखी होने वाली है। दरअसल चीन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर्स के दाम में फिर से इजाफा हो जाएगा और इसका असर दुनिया भर में देखा जा सकता है, खासकर की टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा गैलिनियम के एक्सपोर्ट पर भी चाइना ने बैन लगा दिया है, क्योंकि इन तीनों ही इंडस्ट्रीज पर चाइना की मोनोपोली है। आपको बता दें कि चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अब गैलियम के एक्सपोर्ट कंट्रोल पर रोक लगाई है। इससे दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभाव अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना के पास दुनिया का 85% गैलिनियम रिजर्व है। चाइना ने घोषणा की है कि इन आइटम्स को देश के बाहर बिना किसी चीनी अधिकारी के अप्रूवल के बिना नहीं भेजा जा सकता। ये बात तब सामने आई है जब अमेरिका की जो डिफेंस जायंट्स हैं, जिनमें की रैथियन और नॉर्थरॉप ग्रुमैन है, वो नया ISR रडार सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं, जिनकी एक बड़ी भी क्षमता होगी, जिन्हें की F/A-18 और F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट में लगाया जाना है। यानी कि ट्रेड वॉर अब बहुत खतरनाक मोड़ पर आने वाला है। हालांकि इसका नुकसान दोस्तों चाइना को बहुत जबरदस्त होगा, लेकिन चाइना भी यहां पर अपने आप को कुछ दिखाना चाहता है, इसीलिए उसने इस तरीके की फैसले लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों BSF और ITBP जल्द ही एडवांस शॉर्ट रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मूल्यांकन करने वाले हैं, जिनका परीक्षण 22,000 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। आपको बता दें कि इस UAV का एंड्योरेंस टाइम 12 घंटे का है। आर्चर ड्रोन संभावित खतरों को पहचान कर उन्हें ट्रैक कर सकता है और साथ ही उनका क्रिटिकल विजुअल और थर्मल डेटा भी प्रसारित कर सकता है। इसके अलावा इस आर्चर शॉर्ट रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल में 5 किलोग्राम के एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन को भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये अपने साथ एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी ले जा सकता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO ने अब अपने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के एडवांस वेरिएंट पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि इसकी रेंज अब 50% अधिक हो जाएगी और 100 हथियार 150 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के डीप इनसाइड टारगेट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। आपको बता दें कि इसके शुरुआती ग्लाइड फेज के बाद अपग्रेडेड 100 वेपन अपना मिनी टर्बोजेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल करेगा, जो कि इसकी रेंज को बढ़ाएगा और ये दुश्मनों के मोबाइल और रीलोकेटेबल थ्रेट्स को भी सभी मौसमों डे और नाइट, यानी कि दिन और रात में ध्वस्त कर सकता है। नया वेरिएंट स्ट्राइक मिशन में इस्तेमाल होगा, जिसे SU-30 में इंटीग्रेट किया जाएगा और SU-30 में इसके लिए बकायदा क्वाड लॉन्चर लगाए जाएंगे, जो कि एक साथ 16 मिसाइल्स ले जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL के ध्रुव हेलीकॉप्टर को बेल्जियम में
यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेशन मिला है। और ये सर्टिफिकेशन इस बात को दर्शाता है कि एचएल के पास यूरोपीय यूनियन के द्वारा निर्धारित कठोर जो प्रमाणीकरण आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने वाले हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्मों को डिजाइन करने की क्षमता है। ईएसए सर्टिफिकेशन मिलना एचएल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और ये सर्टिफिकेशन न केवल एचएल की तकनीकी क्षमताओं को मान्य करता है बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले और सुरक्षित विमान बनाने के लिए एचएल की प्रतिबद्धता को भी उजागर करता है। हालांकि दोस्तों बीच में कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई थी, एक के बाद एक दुर्घटनाग्रस्त हुए थे हमारे ये हेलीकॉप्टर्स, लेकिन उन कमियों को दूर करते हुए भारत को ईएसए सर्टिफिकेशन मिल गया है। और ये उपलब्धि दोस्तों एचएल के लिए यूरोपीय बाजार में संभावित साझेदारी, सहयोग और निर्यात के अवसरों का पता लगाने के नए रास्ते भी खोलती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अभी भी ठीक ठाक नहीं है और यही वजह है कि भारत कई मौकों पर पाकिस्तान को चेतावनी देता आया है कि वो आतंक का साथ निभाना छोड़ दे। और हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी कि वो कश्मीर की रट लगाना भूल जाए और कहा कि हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। इस बात से दोस्तों पाकिस्तान भड़क गया है। भारत के रक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने पाकिस्तानी लोगों से यानी कि वहां की आवाम से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। इस दौरान पाकिस्तानी आवाम ने जवाब देते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में जबरदस्त कौम और फौज नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें घर में घुसकर मारे, हम शेर हैं। दरअसल पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाता रहता है जबकि भारत हमेशा से कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी देता रहता है और भारत कहता है कि हमारा आंतरिक मामला है, इसमें दखल अंदाजी ना करें। वहीं पाकिस्तान के आवाम के एक व्यक्ति ने कहा कि हमें अपने मुल्क पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना कि दूसरे देश पर, हमें अपने हालात को बेहतर करने की कोशिशें करनी चाहिए। बात साफ हो जाती है दोस्तों, पाकिस्तान की आवाम भी ये बात जानती है कि उनके बस की कुछ नहीं है और खुद जो देश चारों तरफ से पस्त हो चुका है उसे कोई उम्मीद की किरण नहीं जग रही है। तो यहां दोस्तों न केवल सरकार त्रस्त है बल्कि लोग भी त्रस्त हो चुके हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI प्रोजेक्ट का समर्थन करने वाले पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। दरअसल SCO के सम्मेलन के अंत में एक घोषणा पत्र जारी किया गया था लेकिन भारत ने BRI प्रोजेक्ट का समर्थन करने से साफ मना कर दिया। चीन के इस प्रोजेक्ट को लेकर रूस और पाकिस्तान समेत कई देशों ने अपना समर्थन भी दिया है। 2023 के SCO घोषणा पत्र में BRI को लेकर एक पैराग्राफ लिखा है जिसमें लिखा है कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं और ये देश परियोजना को संयुक्त रूप से लागू करने के लिए चल रहे काम का समर्थन करते हैं जिसमें कि यूरेशियन इकोनॉमी यूनियन जिसमें कि दोस्तों बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान का ये आर्थिक मंच कहा जाता है, ये भी BRI से जुड़ने के प्रयास में शामिल है। लेकिन भारत हमेशा से इसका विरोध करता हुआ आया है, इसीलिए भारत ने इस पूरे मामले से कन्नी काट ली। और चीन दोस्तों इसी प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी काम कर रहा है जिसे लेकर भारत ने कहा कि ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से आग्रह किया कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के रास्ते में बाधाएं पैदा ना करे बल्कि इसके फायदों का लाभ उठाए। तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है दोस्तों, भले ही भारत इस मंच में अकेला पड़ा BRI प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन ये जितने भी देश हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं इनकी आर्थिक हालत आप खुद देख सकते हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे ये तजाकिस्तान, ईरान हो, ये जितने भी देश हैं इन सबको लगता है कि चाइना के पैसों से इनका भला हो जाएगा, लेकिन जब चाइना डंडा करेगा तो पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका के एक अखबार ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सराहना की है। दोस्तों अमेरिका का एक जाना माना अखबार न्यूयॉर्क टाइम है, उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सराहना की जिसमें कहा गया है कि भारत में वर्तमान में लगभग 140 स्टार्टअप्स हैं, भारत जल्द ही चीन को इस क्षेत्र में टक्कर दे सकता है। NIT ने कहा कि भारत ने 1963 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, तब भारत दुनिया का सबसे पिछड़ा और गरीब देश था, रॉकेट को साइकिल पर रखकर लॉन्च पैड को ले जाया गया था, लेकिन आज भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में काफी मजबूती हासिल की है और भारत के पास करीबन 140 रजिस्टर्ड अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप मौजूद है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि भारत और अमेरिका अब अंतरिक्ष क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग देने पर भी चर्चा कर चुके हैं। अमेरिका का मानना है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारत जल्द ही चाइना को टक्कर दे सकता है। रूस और चीन ने कम लागत में रॉकेट लॉन्च करने का ऑफर पेश किया था लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस का अंतरिक्ष प्रोग्राम ठप पड़ चुका है।
बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इसरो ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपने नए भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन LVM-3 के साथ चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान युक्त एंड कैप्सूल असेंबली को जोड़ा है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है जो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की पूरी क्षमता प्रदर्शित करेगा। दोस्तों इसरो की तरफ से कहा गया है कि चंद्रयान 3 मिशन को 13 से लेकर 19 जुलाई के बीच लॉन्च किया जा सकता है। इसरो के अधिकारी ने कहा कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र की नर्म सतह पर लैंडर उतरेगा, उससे रोवर बाहर आएगा और चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू करेगा। हमारी अपेक्षा यह है कि यह चंद्रमा की सतह के गुणों का अवलोकन करे। लैंडर के साथ कुछ पेलोड भी होगा और वो भी विभिन्न प्रयोग सतह पर करेंगे और जांच करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।